इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर आप सभी का स्वागत है। तो मेरे चैनल पर एक जो एज ग्रुप है वो इस वीडियो की बहुत दिनों से डिमांड कर रहा था, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ टीनेजर एज ग्रुप की। तो उन्होंने मुझे मेल भी किया था और कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि दीदी आप पैंटी लाइनर्स के बारे में ज़रा खुल कर बताएं। तो मैं आपको बता दूँ, पैंटी लाइनर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल तो पैंटी लाइनर्स बहुत ही आसानी से मिलने लगे हैं और ये है पैंटी लाइनर्स जो कि मेरे हाथों में है। अब ये पैंटी लाइनर एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए ये है सैनिटरी नैपकिन और ये है पैंटी लाइनर्स। दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस है साइज़ का। जी हाँ, ये बहुत बड़े साइज़ में आता है क्योंकि इसे हम पीरियड में यूज़ करते हैं और जितना भी हमारा फ्लो होता है उसे कवर करने के लिए ये काफ़ी हो जाता है। पर अगर हमारे पीरियड में हम पैंटी लाइनर्स यूज़ करना चाहते हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये पीरियड के लिए बिल्कुल ही नहीं बनाया गया है। तो ये क्यों बनाया गया है, चलिए मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, यानी कि एक ये छोटा सा पैड ही बोल सकते हैं। तो ये छोटा सा एक सैनिटरी नैपकिन है। अब इसे आपको कब कब इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता दूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि पैंटी लाइनर्स आजकल बहुत ही आसानी से मार्केट में मिलने लग गए हैं। बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ आजकल पैंटी लाइनर्स बनाने लग गए हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी डिमांड जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। प्लस ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो मैंने आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स मेंशन किए हैं जहाँ से आप पैंटी लाइनर्स अपने लिए भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कब इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आपको लगता है कि हमारा पीरियड आने वाला है और कभी भी आ सकता है, पर उस समय हम लोग हो सकता है कि ये सारी चीज़ों पर ध्यान ना दें। मतलब अगर हम घर से कहीं बाहर है तो अगर हमें डाउट है कि आज हमारा पीरियड आने वाला है, तब आप ये छोटा सा पैंटी लाइनर लगा सकते हैं इंस्टेंट ऑफ कि आप इतना बड़ा पैड लगाएं, क्योंकि इतना बड़ा पैड बहुत बार अनकंफर्टेबल कर देता है। अगर आपके पीरियड्स नहीं चल रहे और आप लगा लो तो बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है, तब ये पैंटी लाइनर आपके काम आता है। तो तब आप लगा सकते हो, क्योंकि ये छोटू सा है, बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ की है। तो ये उस समय के लिए बेस्ट होता है, पर ये पीरियड को बहुत देर तक नहीं संभाल सकता। तो आप इसे एक घंटा दो घंटा, जब पीरियड आने वाला होता है या आ चुका है, तब के लिए एक घंटा दो घंटा कैरी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद आप बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला काम करेंगे अगर आप इसी के साथ रह जाएंगे। तो इसे सिर्फ आपको तब यूज़ करना है जब आपको लगने वाला है कि आज आपका कभी भी आ सकता है, तो उस समय के लिए आपको इसे इस्तेमाल करना है। सेकंड, आपको लास्ट के कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करना है। कभी कभी क्या होता है कि फोर्थ फाइफ्थ या मतलब जब भी हमारे पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते या ख़त्म हो गए होते, तो भी थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है, तब आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा सा है और उतने फ्लो के लिए ये काफ़ी है। उतने फ्लो के लिए इतना बड़ा पैड लगाना काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो उतने फ्लो के लिए, थोड़े बहुत फ्लो के लिए ये पीरियड में काम आ सकता है जब ख़त्म होने वाला है। तो जब शुरुआती दिनों में और ख़त्म होने वाले दिनों में पैंटी लाइनर्स का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा कभी अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, अक्सर औरतों में इस तरह की परेशानी हो जाती है, और उसकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे से वाइट डिस्चार्ज के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो वहाँ पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये छोटी सी चीज़ आपके बैग में भी बहुत ही आसानी से आ जाती है, आपके इनफैक्ट जीन्स में भी आ जाती है, तो आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। इतना बड़ा करने से अच्छा आप एक छोटी सी चीज़ कैरी कर सकते हैं। वैसे ये भी आजकल बहुत छोटू सा बनता है, तो इसे भी कैरी करना बहुत बड़ी बात नहीं रही, पर इसे कैरी करना और भी आसान है, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने पीरियड्स में या वाइट डिस्चार्ज वाले डेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं अगेन आपको ये बोलूँगी कि ये हेवी फ्लो के लिए नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है।
तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो पैंटी लाइनर्स के लिए. आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी प्रॉपर यूज़ समझ में आ गया होगा पैंटी लाइनर का. तो चलिए फिर, आपकी और कोई रिक्वेस्ट है तो फटाक से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे मैं उस पर काम करना चालू कर दूँ. और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय. और उससे पहले आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आपने मुझे देखा है तो. ओके, तो चलिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो के साथ.